नमस्कार फ्रेंड, और लीनियर जॉब्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा एसएससी ग्रुप डी का सिलेबस किस प्रकार है, उसका क्वेश्चन किस टाइप से आएगा और किस किस चैप्टर से आएगा, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में पूरी दी जाएगी। आपको बता दूं, ये 29 तारीख से फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुका है। जो आपने अप्लाई कर चुके होंगे, बहुत सारे स्टूडेंटों ने, बहुत करने वाले होंगे, इसको बता दूँ आपको। इसका एग्ज़ाम किस प्रकार होगा, इसको भी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। आपको बता दो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि इसका नेक्स्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इसलिए नेक्स्ट अपडेट सबसे पहले हम आप तक लेकर आएंगे। चलिए फ्रेंड, ले चलते हैं इसके पूरी जानकारी की ओर। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, इसी क्या दिक्कत है। जैसा कि फ्रेंड आपको मैं बता दूं, इसका सारा अपडेट मैं आपको पहले दे चुका हूं, इसकी पूरी जानकारी आपको मिल चुकी होगी, इसलिए कि इसका हर अपडेट पहले इसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इसे फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कौन कौन भरेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको दी चुकी है। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को आप देख लें, आप मेरे चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो आप ज़रूर देख चुके होंगे। चलिए फ्रेंड, हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। मेन इसका पॉइंट आता है एग्ज़ाम में आपका सिलेबस की ओर से, ठीक है। सिलेबस सही हो तो आप एग्जाम जरूर क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें आपका पहले सिलेबस में बात करने वाले हैं हम, ये एग्ज़ाम किस प्रकार होगा। ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपको चार ऑप्शन रहेगा, आपको तीन इनमें से गलत रहेगा, एक सही रहेगा, आप इसको चूज करके आपको रखना है। यही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोला जाता है, ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन इसी को बोला जाता है। चलिए बात करते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की संख्या रहेंगी 100, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे आपको, ठीक है। 100 क्वेश्चन में आपको 75% क्वेश्चन आपको रहेंगे। रीजनिंग, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी से आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 25% आपका हरियाणा से रहेगा क्वेश्चन, वहाँ से हिस्ट्री से रहेगा और उस वहाँ से रहेगा। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, किस चैप्टर से आपको कौन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन आपको जनरल एबिलिटी में अब बात करते हैं कि आपको ये दिख रहा होगा, इतना ही से आपका क्वेश्चन जनरल एबिलिटी 25 नंबर का इसमें से आएगा, इस चैप्टर से आपको आने वाला है, ठीक है। आपको हो जाएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, ये सब आपको आएंगे, ठीक है। आपको वीडियो रोक कर आपको देख लीजिए, और भी आपको किस किस देखिए, यहाँ हिस्ट्री, पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स रहेंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरी मतलब रहेंगे, साइंस भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब कोई वीडियो रोक कर आप देख लीजिए, और भी इसमें कोई प्रॉब्लम, इसलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। इसमें नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम आपको रीजनिंग, आपको रीजनिंग में रहेगा यही, ठीक है। रीजनिंग में भरभर और नॉन भरभर दोनों रहेंगे, ठीक है। आप भरभर और नॉन भरभर आपको रीजनिंग बनाते होंगे तो सब पता होगा आपको, भरभर किसे और नॉन भरभर किसे कहते हैं। आपको चैप्टर का नाम आपको यहाँ से दिया है, ठीक है। आप वीडियो रोक कर अपने चैप्टर का नाम नोट कर ले, या तो वीडियो को ऑफलाइन करके रख ले, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो, इसलिए कि इसकी सबसे अपडेट आपको सिलेबस का इस चैनल पर मिलता है, इसलिए कि आप और भी चैनल पर देख लीजिए, बहुत ऐसे डिटेल्स कम मिलते होंगे। आप यूट्यूब चलाते होंगे तो आपको पता ज़रूर होगा। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं मैथ्स की। आपको मैथ्स का भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, किस किस चैप्टर से मैथ्स से भी रहेंगे, LCM होगा, HCM होगा, परसेंट हो गया, ठीक है, SL प्रॉफिट एंड लॉस से रहेगा क्वेश्चन, सिंप्लीकेशन से रहेगा, टाइम एंड वर्क से, आपको सब यहाँ देख दिया गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और
पूरी आपको जानकारी से चैप्टर का नाम तक हम आपको यहाँ रूबरू करा देते हैं कि आपको ये दिक्कत ना हो कि इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं रहे, ठीक है। आपको रहेगा फिर सिलेबस साइंस से, तो आपको फिजिक्स रहेगी, केमिस्ट्री और एंड साइंस, इसको टेंथ सॉलिफिकेशन से रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपको आता है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश से आपको यही रहेंगे, ठीक, इसमें कोई इतना बदलाव नहीं किया गया। आपको इधर रहेगा पैसेज रहेगा, आप जैसे एग्जाम दिए होंगे वैसे होगा, सेंटेंस अरेंजमेंट रहता है। चलिए अब बात करते हैं इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इस सब के बारे में। आपको ये तो ऊपर ही बता दिया, आप इस सब को चैप्टर को अपना बुक्स में ध्यान में रखें, इसलिए हिस्ट्री से जो क्वेश्चन रहेगा आप थोड़ा देख लें, अच्छी बात रहेगी। चलिए अब इसका सिलेबस की पूरी जानकारी हो चुकी है हम बता दें आपको, और इससे और भी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए लेटेस्ट अपडेट इसके कैसे इसका आपको मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप तक सबसे पहले पहुंचाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मिल चुका है कि इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसा आया था। चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दबाना ना भूले और शेयर करना ना भूलें।